नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषि मित्र अनुपम तिवारी और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चौ की खेती करते हैं एक एकड़ पे तो आपकी कितनी बचत होगी और उसमें कितनी आपकी लागत आएगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऊपर एक बेल आइकन दिख रहा है, अगर आप उसे दबाएंगे तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब हो जाए। तो किसान भाइयों, हम शुरुआत करेंगे खेत की तैयारी से। एक एकड़ पे जौ की खेत के लिए, जो हम खेत की तैयारी करेंगे जौ की फसल के लिए, उस पर खर्च आएगा ₹1000 पर एकड़ का। बीज पर होने वाला खर्च होगा ₹1280 पर एकड़। खाद और उर्वरकों पे होने वाला खर्च होगा ₹1500 पर एकड़। फिर खरपतवार, कीटों एवं बीमारियों पे होने वाला कुल खर्च होगा ₹400 पर एकड़। सिंचाई पर जो हमारा खर्च होगा वो होगा ₹600 पर सिंचाई, और इसमें चार सिंचाई हमारी लगेंगी तो ₹2400। फसल कटाई पर होने वाला कुल खर्च होगा ₹2100 पर एकड़। तो कुल हमारी लागत लग गई इस फसल के लिए ₹8680 पर एकड़ पर। कुल फसल जो उत्पादन होगी एक एकड़ में वो करीब होगी 10 क्विंटल, जो जिसका बाजार मूल्य रहेगा ₹1450 प्रति क्विंटल। तो अगर हम इसे गुणा करते हैं 10 क्विंटल को ₹1450 से, तो जो हमारी कुल प्राप्त राशि होगी वो होगी ₹14500। तो कुल बचत हमारी क्या हो गई किसान भाइयों, कुल बचत हमारी हो गई कुल उत्पादन माइनस कुल लागत। तो ₹14500 माइनस ₹8680, तो आपकी कुल बचत एक एकड़ की हो गई ₹5820 चार महीने में एक एकड़ पर। तो है ना किसान भाइयों, कमाल की बचत ये जौ की खेती में। इस तरह के और वीडियो मैं आपके साथ जल्दी से लाऊंगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारा YouTube चैनल लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस तरह की जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिलें। धन्यवाद।